हिमाचल सरकार द्वारा सरकारी कॉलेजों की इम्प्रूवमेंट करने के लिए उत्कृष्ट विद्यालयों का चयन शुरू किया गया है। प्रदेश भर में 9 महाविद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय में शामिल किए गए हैं, जिनमें ऊना का महाविद्यालय भी शामिल है। वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री सतपाल सत्ती जी ने ऊना के महाविद्यालय के उत्कृष्ट महाविद्यालय में चयन होने में खुशी जाहिर की है और प्रदेश सरकार द्वारा ऊना महाविद्यालय को 1 करोड़ रुपए भी जारी किया गया है। 1 करोड़ रुपए से कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए दिया गया है, जिसमें आने वाले समय में कॉलेज में स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बिल्डिंग स्ट्रक्चर और स्मार्ट क्लास को आगे बढ़ाने के लिए खर्च किया जाएगा। श्री सतपाल सत्ती की माने तो 1 करोड़ को खर्च करने के लिए 6 महीने का समय है, जिसके लिए एस्टीमेट बनाने के लिए आज विभिन्न विभागों के साथ अहम मीटिंग की गई, ताकि कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें और सुधार किया जा सके, कॉलेज की दशा को और सुधारा जा सके। उन्होंने कहा कि जय सरकारी कॉलेज पहले भी प्रदेश भर में कई अहम इनाम जीत चुका है, इसको लेकर जहां पर बच्चों की स्ट्रेंथ भी लगातार बढ़ रही है। तो क्या क्या निर्णय लिए गए और परेशानियां जो आ रही थी उसका कैसे निदान किया? हिमाचल प्रदेश सरकार ने कॉलेजेस के इम्प्रूवमेंट के लिए एक उत्कृष्ट विद्यालय करके कंसेप्ट निकाला है। उस उत्कृष्ट विद्यालय के कंसेप्ट के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के 9 कॉलेज सेलेक्ट हुए हैं। उन 9 कॉलेजेस में ऊना कॉलेज का नाम भी है और ऊना कॉलेज की एक्टिविटीज़ को देखते हुए और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ और जहां के एकेडमिक माहौल को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऊना कॉलेज को भी एकेडमिक की दृष्टि से, कल्चर और स्पोर्ट्स की दृष्टि से और बिल्डिंग और ब्यूटिफिकेशन वगैरह वगैरह की दृष्टि से देखने के लिए एक कॉलेज को जहाँ पर चुना है, उसके लिए मैं प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूँ। और उस चुनने पे हमें एक बड़ा लाभ हुआ है कि 1 करोड़ रुपया इन सारी एक्टिविटीज़ को, इन सब चीज़ों को स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोगों को आया है। उसी कड़ी में प्रिंसिपल उन्ना और इनके सभी सहयोगी, उनको हम लोगों ने बिठा करके अभी एक मीटिंग की है। इस मीटिंग के माध्यम से अलग अलग जो प्रोफेसर हैं उन लोगों को प्रिंसिपल साहब ने जिम्मेवारी दी है, जैसे लाइब्रेरी में क्या सुधार हो सकता है और डिजिटाइजेशन ऑफ ही लाइब्रेरी और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स, कल्चर, एकेडमिक्स और यहाँ जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग की रेनोवेशन, रिपेयर और ब्यूटिफिकेशन ऑफ कैंपस, ऐसी अनेकों चीज़ें उसमें आएंगी 1 करोड़ रुपए में। उनके एस्टीमेट्स बनाने के लिए आज हम लोगों ने PWD विभाग के साथी भी बुलाए थे और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लोग भी बुलाए हैं कि इस कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कौन कौन सी हो सकती है, उनके लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो उसकी मीटिंग हुई है। अभी आने वाले 6 महीने के अंदर इस 1 करोड़ रुपए से अलग अलग क्षेत्र जो गवर्नमेंट ने तय किए हैं, जो गाइडलाइन दी है, उस गाइडलाइन के अंतर्गत हम लोग उस स्ट्रेंथनिंग के लिए उसमें लगेंगे कॉलेज के सभी लोग। और इस कॉलेज में इस 1 करोड़ रुपए से बहुत सी चीज़ों में सुधार आएगा। कॉलेज पहले भी हमारा जो हिमाचल प्रदेश के एक मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अच्छे कॉलेजेस के कैंपस में से पहले नंबर पे जो कॉलेज ऊना का होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और जब मुख्यमंत्री जयराम जी जहाँ पर 50वां वर्ष पूरे होने के ऊपर जहाँ पर आए थे, उस समय हमने उनसे AV ब्लॉक इस कॉलेज के लिए मांगा था, तो उसके बाद उन्होंने 12 करोड़ रुपया हमें दिया जो ब्लॉक अभी बन रहे हैं। जब ये 2 A ब्लॉक और B ब्लॉक बन के तैयार हो जाएँ तो एकेडमिक्स के लिए भी और स्पोर्ट्स और कल्चर एक्टिविटी के लिए हमें और स्पेस मिल जाएगा, और जगह मिल जाएगी और अच्छा सा चीज़ें जहाँ पर कॉलेजेस के टीचर्स कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। काम उसका चला है, मैं मानता हूँ 1-1.5 साल के अंदर वो बिल्डिंग पूरी बन करके तैयार होगी। तो ऐसे इन अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम किए जाएँ बच्चों के। धन्यवाद। मैं सुशील पंडित, इनकाउंटर न्यूज़ के लिए, हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना से।